वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट COVID-19, राइट? इसके ऊपर बात करें पहले तो क्यों चर्चा करना पड़ रहा है इसके, बिकॉज सब बेड़ा गर्क कर दिया ना इसने। कैसा लाइफ चल रहा था सबका, अब क्या हो गया है, पूरा बदल चुका है चीजें। है क्या, हुआ कैसे, क्या कुछ ब्राइटर साइड दिख रहा है या ऐसा ही चलने वाला है? तो इन सब सवालों का जवाब थोड़ा बहुत देने वाला और विथ मेडिकल एस्पेक्ट टू इट, नॉट जस्ट साइंटिफिक एस्पेक्ट टू इट, नॉट जस्ट ऊपर ऊपर की हवा हवाई बातें। ऑलराइट, चलो देखो, जहां तक पेंडेमिक की बात है, पहले तो समझो ये पेंडेमिक टर्म क्यों यूज किया गया है। व्हाई डिड वी यूज द टर्म पेंडेमिक? पेंडेमिक, अभी व्हाट्सएप में टेक्स्ट मत करना है, कोई हो गया जितना करना डायरेक्ट ज्वाइन करो, टाइम के टाइम किया ठीक है, अभी मत करो। एनीवेज, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है और एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, यू शुड बी क्लियर विथ सर्टेन टर्म्स, लाइक व्हाट इज पेंडेमिक, व्हाट इज एपिडेमिक। ओके, देखो कोई इन्फेक्शन सपोज इंडिया में शुरू हुआ, से फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शन इंडिया में शुरू हुआ, आसाम में शुरू हुआ, और वो आसाम से मान लो नॉर्थ ईस्ट में स्प्रेड हुआ, या ज्यादा से ज्यादा पूरा देश में स्प्रेड हुआ, या ज्यादा से ज्यादा हमारे नेबरिंग कंट्रीज तक स्प्रेड हुआ, जैसे नेपाल में गया बीमारी, चाइना में गया बीमारी, पाकिस्तान में गया बीमारी, बांग्लादेश में गया बीमारी, श्रीलंका में गया बीमारी, बट उसके बाहर वो बीमारी गया नहीं, तब हम लोग टर्म यूज करते हैं एपिडेमिक का। व्हाट टर्म डू यू यूज? एपिडेमिक। तो ना प्लेग का एपिडेमिक सुना होगा, मतलब क्या, एक गांव पूरा इन्फेक्ट हुआ है, वो गांव के बाहर नहीं, गांव के लोग मरे। टाइम पे आओ, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट एडमिट, आज लास्ट एडमिट कर रहा हूँ। बहुत लोग अभी देखो मीटिंग्स के बीच में पॉप अप करता है स्क्रीन में, मुझे प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्लीज बी ऑन टाइम। ऑलराइट, सो या एपिडेमिक इज बेसिकली व्हेन द इन्फेक्शन, व्हेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर area, it does not spread much. Okay, particular max to max अपने neighboring countries तक ही गया होगा। जैसे for example Ebola outbreak हुआ था African countries में, उसको हम लोग outbreak epidemic के दर्जे पे ही रखते हैं, we do not call it a pandemic. COVID-19 के case में, COVID-19 का full form क्या है वही बताऊंगा, हालांकि जानना चाहिए तुम लोगों, COVID-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019, आई विल कम टू दैट लेटर, डोंट वरी। एनीवेज, आई सेड इट्स अ पेंडेमिक, पीपल आर कॉलिंग इट अ पेंडेमिक, न्यूज में भी सुना होगा पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब है जब इन्फेक्शन पूरा दुनिया में फैल जाए, जब इन्फेक्शन जो है तुम्हारे देश में तुम्हारे गांव तक सीमित ना हो, तुम्हारे सिटीज तक सीमित ना हो, इट विल स्प्रेड टू द एंटायर कंट्री। When it spreads to the entire country, entire world, okay, country से पूरा world में spread हो गया है, तब हम लोग pandemic word का use करते हैं, जो अभी हम लोग COVID के case में use कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत experts, those who have work in the field of, you know, जो बोलते हैं epidemiologist बोलते हैं, अलग अलग नाम है उनके लिए, virologist जो वायरस का स्टडी करता है, epidemics का स्टडी करता है, experts जिनको तुम बोल सकते हो, वैक्सीन experts even, जो लोग अलग अलग viruses पर रिसर्च करके vaccines के बारे में vaccines बनाता है या vaccines के बारे में सोचता है। Now ये लोग, बहुत लोग जो इन सब इंस्टीट्यूशंस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, एवरीबॉडी लाइक ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 years से, यहाँ पे एक इंसान का नाम लेना बहुत जरूरी है, बिल गेट्स वाज वन ऑफ दोस विजनरीज, ही वाज नॉट द ओनली वन, बट ही वाज द वन हु रिमाइंडेड अस कि वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से डरना नहीं है, अभी
न्यूक्लियर वेपन से भी एक खतरनाक चीज मौजूद है वर्ल्ड में जिससे बिल्कुल डरना चाहिए एंड वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट, और वो है एक सिंगल आरएनए का मॉलिक्यूल, मतलब वायरस। ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है और जिनको वायरस का थोड़ा बहुत आइडिया, उनको पता चल रहा होगा कि वायरस में मेनली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है और कुछ नहीं होता। तो ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल आरएनए की बात की जा रही है, तो आरएनए से हमें डरना है, आरएनए मॉलिक्यूल से हमें डरना है, ऐसा कहना था उनका, नॉट फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन और बॉम्ब्स और एनीथिंग। और एज अर्ली एज एपिडेमिक, तो एपिडेमिक से पेंडेमिक बनते बनते आई थिंक ये ईसीआर का जनवरी फेब्रुवरी मार्च हुआ था, फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड इन दिसंबर, बट जो बिल गेट्स एंड अदर रिसर्चर्स दे वर वार्निंग अस फ्रॉम 4-5 years, बट पेंडेमिक आ रहा है बोल के उन्होंने मई में ही वार्न कर दिया था कि कंट्रीज को प्रिपरेशंस लेना चाहिए, हमको मेडिकल रिसर्च और बढ़ाना चाहिए, ठीक है, हमारे हॉस्पिटल्स बेड बढ़ाने पड़ेंगे। और इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सितंबर के दौरान एक बुकलेट टाइप कुछ पब्लिश किया था, उसमें भी उन्होंने यही बात बोला था कि पीपल शुड प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि पता नहीं कब आ जाएगा। और बहुत साइंटिस्ट जो थे ना ऑलरेडी इन वायरसेस पे रिसर्च कर रहे थे इन चाइना, ठीक है, दे वेर डूइंग रिसर्चेस एंड दे वेर वार्निंग ओवर एंड ओवर टू गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल नेशन, बट एज यूजुअल यू नो गवर्नमेंट लोग उनका क्या है, वो लोग थोड़ा भी भाव नहीं दिया उन्होंने, और अब देखो क्या हो चुका है, क्या से क्या हो चुका है। प्रिपरेशंस लेना इसलिए जरूरी था बिकॉज हमको अगर हमारे पेशेंट ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, फॉर्चुनेटली नहीं हुआ इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, उसके भी पीछे बहुत थ्योरीज है, वो मैं बाद में बात करूंगा उसके ऊपर, बट अगर हो जाता है, जैसे इटली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तुम लोगों ने देखा होगा न्यूज में, टोटली मतलब इतना अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी खत्म हो गया, हालत खराब था, इतना डेथ्स हो रहा था लोगों का। ओके चलो, अच्छा नाउ Now remember this. One term is important from your exam point of view. Zoonotic virus. What do you mean by this zoonotic virus? Zoo मतलब animal होता है, right? Zoo मतलब तो animal होता है. Basically, कुछ viruses ऐसे होते हैं. देखो, जो virus bat को infect कर रहा है, या pigs को infect कर रहा है, या birds को infect कर रहा है, या plants को infect कर रहा है, उनका अपना अपना होस्ट होता है, दे वोंट इन्फेक्ट ह्यूमन। ह्यूमन का वायरस जाकर के, जैसे ह्यूमन में जो फ्लू होता है, कॉमन कोल्ड होता है, वो कॉमन कोल्ड बुखार, सर्दी खांसी बुखार वाला जो वायरस है, वो वायरस जाकर के एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करता। तुम नहीं देखोगे कि कोई पिग, किसी पिग का नाक बह रहा है, उसको सर्दी लगा है, वो खांस रहा है, डजंट हैपन, बिकॉज ह्यूमन फ्लू जो वायरस है वो ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करना पसंद करता है, दे डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट अदर एनिमल्स। सिमिलरली एनिमल का जो वायरस है वो भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करना पसंद नहीं करता, वो लोग एनिमल्स भी सीमित रहना चाहते हैं। बट ड्यू टू म्यूटेशंस एंड अदर फैक्टर्स कभी कभार जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने के कारण देयर कैन बी सम वायरसेस विच जंप फ्रॉम ह्यूमन बींग्स टू एनिमल्स और एनिमल्स टू ह्यूमन बींग। जो वायरसेस एनिमल से ह्यूमन बींग में जंप करता है उनको हम लोग बोलते हैं जूनोटिक वायरस, ठीक है, और इस पे बहुत बड़ा शक है कि ये जूनोटिक वायरस है, एनिमल से आया है, और सबसे ज्यादा शक किस एनिमल में है, बैट पे है। हालांकि इट्स नॉट, देर आर रिसर्चेस गोइंग ऑन स्टिल, दे हैवंट कम टू अ सॉल्यूशन, आई मीन सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा मैं, अ कंक्लूजन आई वुड से, दे हैवंट कम टू अ कंक्लूजन कि भाई बैट से ही आया है, बट दे हैव इनफ एम्पल एविडेंसेस, अभी भी ओरिजिन को ट्रेस किया जा रहा है, इट विल टेक अ व्हाइल, वायरस के स्टडी करने में कभी कभार 10 साल भी लग जाता है, वायरस के बारे में पूरा स्टडी करने में, ओके, टू नो द एंटायर लाइफ साइकिल, द ओरिजिन एंड एवरीथिंग, बट यस वी हैव एम्पल एविडेंसेस टू से कि इट माइट बी प्रेजेंट इन बैट, और बैट से ही ह्यूमन में आया होगा, मैं आया है बोला नहीं है मैंने, ठीक है। सो व्हाट इज जूनोटिक वायरस, यू शुड नो, जूनोटिक वायरस इज वायरस, अरे हाँ, वायरस दैट जंप्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ओके अब सुनो,
जिस वायरस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अच्छा वायरस का मैकेनिज्म तुम लोग को पता होगा, वायरस बहुत ही यूनिक चीज है। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जिनको मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया, दे नो दैट दे वायरसेस वर द फर्स्ट टू इनहेबिट द अर्थ इन अ वे, ठीक है। और वायरस जो है ये भी पता होना चाहिए तुम लोगों को, वायरस ना कि लिविंग होता है ना कि डेड होता है। आई एम अज्यूमिंग यू गाइस ऑलरेडी नो, इफ यू डोंट नो लिसन टू मी राइट नाउ, कि वायरस जो है वो ना लिविंग होता है ना डेड होता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द कनेक्टिंग लिंक। जैसे अगर ये वायरस अगर मान लो यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, हवा में पड़ा हुआ है ऐसा, इट्स फ्लोटिंग, देन इट्स नॉन लिविंग। बट द मोमेंट आई इनहेल इट और आई टेक इट थ्रू द माउथ, या फिर मेरे आंखों से चला जाए या फिर कोई दूसरा पाथवे से चला जाए, ठीक है, तो वो लिविंग बन जाता है। और लिविंग बनने के बाद वो क्या काम करता है, काम करता है जैसे टेररिस्ट लोग जो काम करता है वही काम करता है। टेररिस्ट लोग क्या करता है, टेररिस्ट लोग जैसे प्लेन वगैरह हाईजेक करता है, तुमने मूवीज में देखा होगा कि वो लोग प्लेन में जा करके बैठता है, प्लेन में जा करके दे विल बी लाइक यू नो पायलट के सर पे बंदूक रखेगा और बोलेगा कि वहां लेके जाओ, ये करो वो करो, एंड पायलट्स हैव नो अदर ऑप्शन बट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज दे विल किल द पैसेंजर्स एंड एवरीवन। जो भी पैसेंजर से भी जो कराना चाहता है बंदूक के नोक पे, वो लोग सब कुछ करा सकते हैं। तो वैसे ही वायरस जब ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल्स या किसी भी होस्ट को जब इन्फेक्ट करता है तब वायरस लिविंग हो जाता है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है, ठीक है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। जब वो होस्ट के बॉडी में जाता है, जब वो लिविंग बन जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो बोलता है होस्ट को कि मेरे जैसा सेल्स बनाओ, मतलब वायरस और सेल्स ऐसा बनाओ जो कि इन्फेक्टेड सेल्स हो, जिसमें वो रेप्लिकेट कर पाए, हाईजेक कर लेता है पूरा मैकेनिज्म को, उसको हम लोग वायरल सेल्स बोलते हैं। और ये वायरल सेल्स का जब नंबर्स बढ़ता रहता है ना, तब धीरे 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 हमको अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते। व्हाट विल डू वायरस, विल गेट इनसाइड, हाईजेक इट, अपना मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, वो सेल इन्फेक्ट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा सेल जाएगा जो इन्फेक्टेड नहीं है उसमें जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा करते करते जब 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, 20,000 सेल्स, लाखों सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, जितना ज्यादा सेल्स इन्फेक्ट करेगा उतना ज्यादा उसमें सिम्टम्स दिखेगा। थोड़ा बहुत सेल्स इन्फेक्ट किया, तुम्हारा बॉडी ने फाइट कर लिया उसको, तो अलग बात है, उस पर भी आऊंगा मैं, ठीक है ना। करेंटली देखो, अभी से तुम लोग मेडिकल के बच्चे हो तो तुम लोग अभी COVID-19 कोरोना वायरस मत बोलना। क्यों मत बोलना? बिकॉज कोरोना वायरस एक तरीके का नहीं है। अभी तक वी नो एटलीस्ट 7 टाइप ऑफ कोरोना वायरसेस विच इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स, ओके, आउट ऑफ विच देर आर मेनी फेमस वंस, मैं बताऊंगा, आई विल बी टेलिंग यू वन बाय वन। But before that, the name of this particular coronavirus you should know, which is very, very important for your NEET examination from this exam point of view, and even next year wala exam maybe, because I told you already that the pandemic won't end anytime soon, theek hai, the pandemic won't end anytime soon, to next year tak rahega, to next year bhi sawal aa sakta hai, to abhi se dhyan rakhna। dekho abhi se hum log kya corona virus ka corona bimari nahi bolenge, kya naam hai bimari ka, COVID-19, what is the name of the disease? COVID-19, अरे यार, स्क्रीन को थोड़ा वो कर लेता हूँ। What is the name of the disease? COVID-19, मतलब कोरोना वायरस डिजीज 2019, 2019 में हुआ था कोरोना वायरस डिजीज 2009, उसको शॉर्ट में बोला गया COVID-19, एंड द वायरस विच कॉजेस इट, नेम ऑफ द वायरस क्या बोला गया, कोरोना वायरस नहीं, एक कोरोना वायरस थोड़ी है, तो द नेम ऑफ द वायरस इज SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2, remember, अभी से, we will not say, you guys are medical aspirants, you will be a future doctors, so you should not use terms like this, जो layman use करते हैं, ठीक है, हम लोग Harry Potter वाले wizards हैं, हम लोग common human beings नहीं हैं, हम लोग वो फालतू का word use नहीं करेंगे, we are not क्या muggles, right, we are not muggles, so there is this thing that you should keep in mind, okay, SARS-CoV-2, ठीक है, अपने life में भी यही बोलना, चलो। अब बात आता है कि क्यों कोरोना टर्म क्यों यूज किया गया इसके लिए। कोरोना का मतलब होता है क्राउन, ठीक है,
कोरोना का मतलब होता है क्राउन, राइट? क्राउन कैसे, क्राउन मतलब जानते ना मुखौटा, देखोगे तुम मुखौटा जब देखोगे ऐसा, अगर मुखौटा तुम देखोगे, मुखौटा कुछ ऐसा ऐसा होता है ना, समथिंग लाइक दिस। इसके लिए वी कैन यूज अनदर वर्ड स्पाइक्स, इसमें एक प्रोटीन भी मिलता है जिसको हम लोग स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है? स्पाइक जानते हो ना, लड़के लोग ऐसे बाल खड़ा करते हैं ऐसा, स्पाइक्स बोलते हैं उसको, सही की गलत? टिकटॉक बंद हो गया, नहीं तो मैं दिखा देता, बहुत लोग स्पाइक्स कर करके टिकटॉक का वीडियो बनाते हैं, बट ऐप बैंड है, सो आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं वो शेयर नहीं कर सकता अब तुम लोग के साथ, पर पता है ना लड़के लोग करते हैं, जेल लगा के ऐसा पूरा बालों को खड़ा कर देते, सही है? वो स्पाइक, तो वैसा प्रोटीन देखने को मिलता है, वैसा क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है। देखो क्यों बोला गया कोरोना, देखो तो ये वायरस मॉलिक्यूल है, सपोज मैं अच्छा डायग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट, ये ऐसे ही समझाने के लिए, ऐसे प्रोटीन निकला हुआ रहता है, स्पाइक्स लग नहीं रहा है, स्पाइक्स इनको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है? ये जाकर के लंग्स में एक रिसेप्टर मिलता है, ACE रिसेप्टर, इतना नहीं जानना है तुम लोग, बता रहा हूँ, उसमें जाकर के बाइंड कर देता है और तब सीवियर जो सांस उस लेने का प्रॉब्लम होता है ना, सीवियर सिम्टम्स वो सब देखने को मिलता है, ओके? सेल्स के साथ जाकर के सेल का जो ACE रिसेप्टर है उसमें साथ उसके साथ बाइंड कर लेता है, ठीक है? और जो भी वैक्सीन अभी बनाया जा रहा है, कल मैं वैक्सीन के ऊपर भी बात करूंगा, जो भी वैक्सीन बनाया जा रहा है वो वैक्सीन जो है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर मेड व्हिच कैन आइडेंटिफाई दिस स्पाइक प्रोटीन, समझ लो? अबाउट दैट आई विल टॉक टुमारो। एनीवेज, सो हाउ डज इट स्प्रेड? इट्स एन एरोसोल डिजीज। एरोसोल मतलब तुम्हारे नाक के ड्रॉपलेट्स से, तुम्हारे मुंह के ड्रॉपलेट्स से स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स, जो कहां कहां से ढुक सकता है, आई से घुस सकता है, नोज से घुस सकता है, माउथ से घुस सकता है इन्फेक्टेड पर्सन का, ठीक है? बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है, और अभी तो ये भी पाया गया कि इट ऑल्सो लीव्स ऑन सरफेसेस, ओके? इट ऑल्सो लीव्स ऑन सरफेसेस, ये भी देखा गया, ठीक है? ओके, जहां तक सिम्टम्स की बात है, मैं बाद में बताऊंगा, वैसे भी मैं लिखा भी दूंगा, डोंट वरी, ये तो इंट्रोडक्टरी वाला क्लास है तो मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स में अगर मैं बोलूंगा तो सिम्टम्स मेनली जो कॉमन सिम्टम्स है वो है फीवर, थोड़ा बहुत बुखार होना, जिसको हम लोग देखो यहाँ पे जो पेशेंट्स है ना, हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं उस पेशेंट्स को, कुछ कुछ पेशेंट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब है उसके अंदर वायरस है, वो पॉजिटिव आया है, लेकिन वो कुछ मतलब उसको कुछ फील नहीं हो रहा, नॉर्मली जी रहा है, मतलब उसका बॉडी में ना देखो, अब अलग अलग लोगों का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, राइट? मैं इम्यून सिस्टम की अगर बात करूं तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आई विल टीच यू इन डिटेल्स अबाउट एंटीजन एंटीबॉडी, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग। मेनी ऑफ यू जो प्रॉपर बैच के उन्होंने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ डिजीज, उनको पता होगा कि हमारे बॉडी में एक पूरा आर्मी है हमको बचाने के लिए, देयर इज एन आर्मी जिनको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल एजेंट, और वैक्सीन से भी यही करने का ट्राई किया जा रहा है कि हम लोग हमारा बॉडी खुद से ही एंटीबॉडीज बना ले, या रेडीमेड एंटीबॉडीज हम प्रोवाइड कर दे, थिंग्स लाइक दैट, ओके? नाउ जहां तक ये क्या बोलता है कि पेशेंट्स की बात है, कुछ कुछ पेशेंट्स का या तो वायरल लोड उसमें कम है, देखो एक दो टेररिस्ट अगर आया, सपोज इंडिया में एक या दो टेररिस्ट आया अटैक करने के लिए, तो हमारा आर्मी तो उसको आराम से निपट लेगा, कौन सा बड़ा बात है? वी आर द कंट्री विथ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज, 2-3-4-10-15 टेररिस्ट आया तो आराम से निपट लेगा, लेकिन कल को मैं बोले 10,000 टेररिस्ट आया तो हाँ, आर्मी का भी कुछ जवान मर सकता है हमारा, राइट? बिकॉज एक थोड़ा बहुत इक्वल फाइट होगा। कल को परसों को अगर मैं बोलू 200,000 टेररिस्ट आ गया, यस वी विल विन द बैटल, बट थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लड़ने के लिए, जिंदा रहेंगे हम लोग, कंट्री को वो लोग हाईजेक नहीं कर पाएगा, बट वी विल डू गुड। लेकिन अगर परसों में बोलू कि 20,00,000 आ गया, तो हमारा आर्मी है अभी 14-15 लाख आई गेस, ठीक है? तो हमारा आर्मी, वी हैव वेरी ब्रेव आर्मी, आई एम नॉट डाउटिंग दैट पार्ट, बट स्टिल इट विल बी वेरी टफ टू कॉम्बैट देम। 20,00,000 टेररिस्ट अगर आ गया इंडिया को अटैक करने के लिए एक साथ, 20,00,000, तो ऑब्वियसली हमारे आर्मी के लिए मुश्किल होगा, मे बी हम लोग वो बैटल हार जाए। सेम थिंग हैपेंस हियर, वायरल लोड पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा कॉपीज बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है एसिम्टोमेटिक, बहुत कम वायरल लोड है, ठीक है, और उसका इम्यूनिटी बहुत, आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो क्या हुआ, जितना वायरस आया एक दो टेररिस्ट आया, मार दिया उसको, खत्म कर दिया उसको।
तो वो बंदा कुछ सिम्टम नहीं दिखाएगा। अगर मान लो 10,000-15,000 आया वायरल लोड, से फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्टिकुलर नंबर, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। तो दैट पर्सन विल शो सम माइल्ड सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम जैसे फीवर होगा, ड्राई कफ वेरी कॉमन है, एंड फैटीग थक जाना, ठीक है थक जाना, ये तीन चीजें होता है। और अगर थोड़ा सा नंबर ज्यादा आया और टेररिस्ट का 2-3 लाख टेररिस्ट ने अटैक किया, तो तब थोड़ा सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना, ठीक है, किसी किसी केस में डायरिया भी दिखता देखने को मिलता है, ओके, किसी किसी केस में डायरिया भी देखने को मिलता है। सो दिस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज वेरी डेंजरस, जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। बट यस, वी आर सेविंग पेशेंट्स, हमारा आर्मी भी बहुत कैपेबल है, ठीक है, जिस तरह हमारा आर्मी कैपेबल है टू टेक आउट द टेररिस्ट, आवर डॉक्टर्स आर ऑल्सो वेरी कैपेबल राइट नाउ टू ट्रीट द पेशेंट्स, एंड मेडिकल साइंसेस ने ये प्रोग्रेस करके दिखाया कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। हम लोग अलग अलग ड्रग्स से ट्रायल कर करके देख देख के हम लोग समझ चुके हैं कि भाई नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और हम लोग ने बहुत ज्यादा सीवियर क्रिटिकल, पहले क्या होता था कि अगर कोई आईसीयू पहुंच गया, अगर कोई इंसान आईसीयू पहुंच गया तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इवन एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने, उन्होंने जब दे हैड दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस विद वेरियस आई मीन मेडिकल कॉलेजेस ऑफ असम इंक्लूडिंग GMCH, तो व्हेन दे टॉक विद द प्रोफेसर्स, आवर प्रोफेसर्स एट GMCH, एम्स पीपल दे सेड टू देम कि एम्स के प्रोफेसर ने और दिल्ली ने थोड़ा पहले कोरोना को फेस किया था, हम लोग ने थोड़ा बाद में फेस किया, तो वो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे। तो उन्होंने बोला कि ट्राई करना कि पेशेंट आईसीयू में ना पहुंचे, उसके पहले ही अगर ठीक कर पाओ ना तब बेस्ट होगा। सो सब डॉक्टर्स यही ट्राई कर रहे हैं कि पेशेंट को हम लोग आईसीयू सीवियर में ना पहुंचे, आईसीयू में पहुंचने के बाद लौट के आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थैंक्स टू मेडिकल साइंसेज की आज ड्यू टू द एडवांसमेंट वी कैन ब्रिंग एटलीस्ट 30-40% पेशेंट्स बैक, ठीक है, अलग अलग ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा बाद में, ठीक है। अब ये वायरस जो है, देखो अब ये वायरस का एक चीज है कि इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट इज क्वाइट लो, मतलब 100 पेशेंट में 5 या 6 पेशेंट ही मर सकता है। इंडिया में तो और कम है, इंडिया में 2 पेशेंट मर रहे हैं, इंडिया में अराउंड 2% मॉर्टेलिटी रेट है, वर्ल्ड का अगर एवरेज लू तो 5-6%, मतलब 95% लोग बच जाएंगे बिकॉज ऑफ द आर्मी, ऑब्वियसली उनके बॉडी के आर्मी की वजह से। तो बात आता है कि तो ये इतना ये पैंडेमिक कैसे क्रिएट कर दिया, अगर ये हार्मफुल नहीं है तो लोग अगर बच रहा है तो कैसे ये पैंडेमिक क्रिएट हो चुका है। ओनली रीजन इज इट्स हाईली कॉन्टेजियस। देखो कोरोना वायरस का बहुत डिजीजेस है, मैंने ऑलरेडी बोला कि कोरोना वायरस का फैमिली में बहुत है, जैसे 2 डिजीजेस हुआ था, एक का नाम है सर्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और एक था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2 डिजीजेस भी पास्ट में हो चुका है COVID-19 की, मिडिल ईस्ट इसलिए बोलते क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये ज्यादा इम्पैक्ट इसने डाला था। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके बारे में भी मैंने कई पढ़ाया अलग अलग चैप्टर्स में, एनीवेज, तो ये जो 2 डिजीजेस है ना बच्चों, ये भी कोविड मतलब कोरोना वायरस के फैमिली वालों से ही, ये किया, मतलब ये डिजीज पॉजिटिव एजेंट जो है उसी फैमिली का है। लेकिन COVID-19 में ऐसा क्या है कि कभी तुमने सुना था कि सार्स के वजह से दुनिया बंद हो गया, सार्स के वजह से दुकान बंद हो गए, हमने तो ये बात कभी नहीं सुना, हमने सुना है क्या ये बात? इज देयर अ प्रॉब्लम विद द वॉइस? हाँ अब ठीक है, ओके ओके। सो We have never heard कि SARS और MERS के कारण, SARS और MERS के कारण क्या हुआ है कि कुछ ग्लोबल लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं सुना। रीजन है इसके पीछे कि ये जो है ना, ये सब डिसऑर्डर्स जो है बहुत ज्यादा, जो ये मतलब सिम्टम्स जो शो करता है ना, ये डिजीजेस जो सिम्टम्स शो करता है वो सिम्टम्स काफी ज्यादा सीवियर है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम, देखो तुम इतना सांस लेने में तुमको प्रॉब्लम होगा ना, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, समझ रहे हो? तो ये सब पेशेंट से इतना फैल नहीं पाया। लेकिन COVID-19 के केस में क्या है कि COVID-19 के केस में इट्स हाईली कॉन्टेजियस,
क्योंकि देखो मेरे मैंने बोला ना एसिम्टोमेटिक हो सकता है, माइल्डली सिम्टोमेटिक हो सकता है, मुझे तो सिर्फ बुखार हुआ है, तो लोग कंफ्यूज हो जाता है विद द कॉमन फ्लू, लोगों को लगता है अरे यार कॉमन सर्दी सर्दी जुकाम जो होता है ना वही हुआ होगा, वो कुछ ड्राई कॉफ ये सब हुआ होगा उसको, उसको लगेगा ही नहीं कि उसको ये कुछ वायरल डिजीज हुआ है, तो वो अपना रेगुलर काम करता रहेगा। हम लोग सर्दी होने पे थोड़ी हम लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं या कुछ, हम लोग तो जाते हैं अपना रेगुलर एक्टिविटीज करने, तो इट बिकम्स हाईली कॉन्टेजियस फॉर दैट रीजन। एंड थ्री पर्सन एटलीस्ट, एक इंसान जो है तीन इंसान तक एटलीस्ट फैला सकता है, दैट मेक्स दिस वेरी डेंजरस। यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस, समझ रहे हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। और एक चीज हमको देखा, हमको देखने को मिला अभी तक की दोज हु आर एल्डरली पीपल या फिर पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज, एल्डरली पीपल में भी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, उनका आर्मी थोड़ा वीक होता है, और कोमॉर्बिडिटीज मतलब जिनको मान लो दूसरा डिसऑर्डर्स है जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटिक्स है, हाइपरटेंशन है, उनका ऑलरेडी, उनका भी यही चीज होता है कि उनका उनका ऑलरेडी बीमार के वजह से वो लोग ऑलरेडी वीक रहते हैं, तो इस वजह से ये देखा गया कि दोस पीपल विद को आइदर विद कोमॉर्बिडिटीज एंड द एल्डरली जनरेशन दे हैव हायर चांसेस ऑफ डेथ, एंड उनका डेथ का चांसेस जो है 18% है, व्हिच इज द गुड, व्हिच इज मच हायर देन द यूजुअल मॉर्टेलिटी रेट। एवरेज मॉर्टेलिटी रेट इज 5-6%, बट एल्डरली में 18%, 65 के ऊपर वाले लोग स्पेशली उनका डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तुम कहीं भी देख लो, इंडिया में भी देख लो, ज्यादातर डेथ्स जो है वो एल्डरली में हुआ है, यंग पीपल में मरा है कुछ कुछ लोग, लेकिन यंग पीपल ज्यादातर सर्वाइव भी किया है। ओके, और जो लोग हमारे एज ग्रुप के हैं बेसिकली जो 18-29 में है, उनका मोर्टेलिटी रेट काफी लेस है, इट्स 1%, अराउंड 1%, क्योंकि हम लोग यंग है, हमारा एंटीबॉडीज काफी अच्छा है। ठीक है, चलो हायर। और एक चीज भी देखा गया है कि चांसेस ऑफ डाइंग इज हायर इन केस ऑफ मैन। ठीक है, ओके, आई गेस दिस मीटिंग विल एंड इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, यू गाइज विल हैव टू जॉइन आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब 4:30 को तुम लोग ज्वाइन करना एग्जैक्ट। ओके, 4:30। सो व्हाट आई सेड कि ये हायर चांसेस ऑफ डेथ इज इन मैन, अब इस पे भी रिसर्च चल रहा है कि वुमेन में क्यों डेथ का नंबर्स कम है, तुम भी रिपोर्ट देख सकते हो, हमारा तो स्टेट का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो तो डेली बोलता रहता है कौन कौन किसका किसका डेथ हुआ है, तुम नाम चेक करोगे तो देखोगे ज्यादातर एजेड लोग है, 45, 50, 55, 60, 65, ऐसा लोग के, ये सब कैटेगरी के लोग मर रहे हैं, और ज्यादा मेल मर रहे हैं। क्यों क्यों मेल मर रहे हैं, तो देखो अगेन द पॉइंट इज इट्स अ न्यू वायरस, लॉट्स ऑफ स्टडीज विल गो ऑन, बट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल रीजन, मतलब सम जेनेटिक रीजन दैट वी डोंट नो, ये हो सकता है, या फिर अनदर रीजन इज वी हैव मोर स्मोकर्स इन मेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग इन्फेक्शन सीवियर कब होता है, जब हमारा ऑलरेडी लंग्स पहले से कमजोर हो, स्मोकिंग कर करके हम लोग ने ऑलरेडी अपने एल्वियोलाइज को डैमेज कर दिया हो, तो स्मोकर्स अगर तुम देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां स्मोक नहीं करती, बिल्कुल करती है, लेकिन नंबर ऑफ स्मोकर्स इज हायर इन मेल्स, दिस कैन बी अनदर रीजन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, लाइक इट और नॉट बॉयज, आई थिंक यू गाइज विल नॉट, सम ऑफ यू मे नॉट एग्री, बट इट्स ट्रू कि मैन आर लेस हाइजीनिक, सही है कि नहीं, मर्द लोग को तुम देख रहे हो, तुम अपने दोस्तों में बता दोगे कौन सा दोस्त तुम्हारा 7 दिन से नहाया नहीं, लड़कियों में थोड़ा कम होता है नंबर, मैं नहीं कह रहा कि लड़कियां सब हाइजीनिक है, लड़कियों में ये नंबर कंपैरेटिवली कम होता है, इवन यू कैन ऑब्जर्व इन योर फैमिली ऑल्सो, यू माइट सी योर अंकल्स नॉट टेकिंग अ बैथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे वर नॉट बेथिंग एट ऑल, बट यू वोंट सी द सेम विद योर आंटीज और योर दीदीज, योर बास, ओके, तो सेम ये भी एक रीजन हो सकता है कि हम लोग, क्योंकि लड़कियां जो है अपना हाइजीन का ख्याल रखती है, तो इस वजह से भी ये हो सकता है कि जो है वन ऑफ द वेज इज टू टैकल द वायरस इज वॉशिंग योर हैंड्स राइट प्रॉपरली, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, तो मैन क्योंकि कम हाइजीनिक है तो ज्यादा चांसेस है इन्फेक्ट होने का, ज्यादा चांसेस है मरने का, और स्मोकर होने से लंग इन्फेक्शन ऑलरेडी मेल्स में ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ डेथ आर हायर। ओके, और कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं जो हमको नहीं पता, अभी हम लोग अभी बहुत दूर है उसके, अभी नया नया वायरस है तो नई नवेली दुल्हन है, हम लोग को जानने में टाइम लगेगा, राइट। चलो अब मैं बात करना चाहता हूं थोड़ा बहुत इस पे, ओरिजिन पे, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट ए कंक्लूजन, हाँ बच्चों, इट्स नॉट ए कंक्लूजन एट ऑल कि बैच से ही आया है, ओके, बट ये देखा गया है कि बैट्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ वायरसेस,
कैसे गुड फ्रेंड्स? बिकॉज वायरस जो है बैट के अंदर बहुत अच्छे से रह सकता है विदाउट कॉजिंग मच डिजीज टू द बैट. ये अच्छा है, अच्छा निशानी है. हमारे इंटेस्टाइन में इकोलाई बैक्टीरिया रहता है. अब इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो हमको इतना हार्म नहीं करता, वो अपना खा पी के बढ़िया से रह रहा है और हम लोग का अंदर रह के आराम से सर्वाइव कर रहा है. हमारे में भी कुछ कुछ मदद वो करता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन वगैरह में भी कुछ कुछ मदद वो कर लेता है. सो दिस इज अ गुड रिलेशनशिप जहां पे जो होस्ट है और पैरासाइट है वो लोग ने ऐसा काम कर लिया आपस में कि पैरासाइट होस्ट को उतना हार्म नहीं कर रहा, आराम से रह रहा है, वो भी खाना खा के खुश, मैं भी खाना खा के खुश, ठीक है, दोनों खुश है. लेकिन वही चीज वायरसेस का बैट के साथ था, मतलब है अभी भी है. तो तब जब पता चला ना ये चीज, तब रिसर्चर्स गए और उन्होंने चेक किया, और बहुत सारे कोरोना वायरसेस जो मैंने बोला ना स्पाइक्स वाले वायरसेस, उन्होंने बहुत डिस्कवर किया वहां पे. सर्स वाज आल्सो वन ऑफ देम. और सर्स का जो मोर्टेलिटी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम का जो मोर्टेलिटी है वो 10% तक है, ठीक है, 10-20% तक तुम कह सकते हो. बहुत ज्यादा लोग जो है इधर मर जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा सीवियरली इल हो जाते हैं तो उन लोग ना बाहर निकल के आ ही नहीं सकता, तो इसलिए फैलाने का चांसेस कम है. कोविड में मैंने बोला माइल्ड, ज्यादातर लोग माइल्डली सिम्टोमेटिक है तो वो तुम्हारे घर आएंगे, थोड़ा बहुत छींकेंगे, हाथ उत मिलाएंगे, तुम तक डिजीज पहुंच जाएगा. लेकिन जो सर्स डिजीज है ना, सर्स डिजीज ऐसा है कि तुम्हारा हालत खराब कर देगा, वो इतना सांस लेने में प्रॉब्लम होगा कि तुमको बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगा. ओके, सर्स ने भी एक छोटा मोटा एपिडेमिक कॉज किया था जहां पे अराउंड 8000 लोग मरा था, ठीक है, 8000 लोग इन्फेक्ट हुआ था, अराउंड 800 लोग मर गया था, वही 10% लोग मर गया था, लेकिन पूरा वर्ल्ड में 8000 हुआ था. अभी तो कोविड का देखो करोड़ों केसेस है वर्ल्ड में, राइट, बिकॉज इट्स, वही रीजन मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इट्स मोर कॉन्टेजियस बिकॉज ऑफ इट्स इट्स नेचर टू कॉज लेसर इन्फेक्शन, ठीक है, या माइल्ड सिम्टम्स यू कैन से. ओके, अच्छा, अब ये बैट का ऑरिजिन का सवाल कैसे आया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो बैट का जो सीन है ना, बैट का सीन ऐसा है कि बैट में बहुत सारा कोरोना वायरसेस रहता है जो रिसर्चर्स ने पता किया, और दे हैव डिस्कवर्ड, जो साइंटिस्ट चाइनीज साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया कि वी हैव अराउंड 100+ वायरसेस प्रेजेंट इन बैट एंड दे हैव क्लासिफाइड देम इनटू हाईली कंटेजियस, लेस कंटेजियस या फिर मोर हार्मफुल, लेस हार्मफुल. उनमें से एक लेस हार्मफुल में से एक बैट का एक वायरस मिला था जो कि जिसका जो जेनेटिक सीक्वेंस जो है जिसका वो 96% सिमिलर है विथ दिस COVID-19. तो इससे ये साइंटिस्ट लोग ने सोचना शुरू किया कि अच्छा इतना सिमिलैरिटीज है, मतलब शायद ये वायरस में 4% जीनोम अलग है ना, तो 4% में कुछ म्यूटेशन होके अलग हो गया होगा और वो अब ह्यूमन को इन्फेक्ट करने लायक बन गया. तो इसमें दो कंक्लूजन उन्होंने दिया कि या तो कोई इंसान ने चमगादड़ खा लिया होगा, बैट से डायरेक्ट ह्यूमन में आया होगा, या फिर बैट से ये किसी दूसरे जानवर में गया होगा, वो चिकन भी हो सकता है, पिग भी हो सकता है, जो इंसान खाता है, पिग, चिकन या फिर कोई और जानवर, ठीक है, जो एनिमल मार्केट चाइना में इतना इसलिए ब्लेम किया जाता है बिकॉज वहां पे एक प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है अभी बताऊंगा, और उसके बाद फाइनली ह्यूमन में आ गया होगा. ये दो रास्ता ले सकता है, या तो बैट से डायरेक्ट आया होगा और म्यूटेट कर गया, और या फिर वो बैट से पहले पिग में गया होगा, पिग से जब ह्यूमन ने खाया तब म्यूटेशन का दौरा चला होगा और तब जाके फाइनली ये कंक्लूजन में आया, मतलब COVID-19 वाला कंक्लूडेड फॉर्म में आया, ठीक है. सो ये डाउट इसलिए होगा बिकॉज 96% जेनेटिक सीक्वेंस जो था वो सेम था, 4% सिर्फ अलग था, तो ऑब्वियसली कुछ म्यूटेशन होके ह्यूमन को इन्फेक्ट करने लायक हो गया होगा, अदरवाइज तो बैट पे जिंदा रह रहा था, बैट से ह्यूमन में आया नहीं था. ये आइडिया कहां से आया, ये आइडिया के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा 1918 में. कहां जाना पड़ेगा, 1918 में, 100 ईयर्स एगो देयर वाज अनदर पेंडेमिक विच इज मच मोर डेंजरस देन द करेंट वन, मच मोर डेंजरस देन द करेंट वन. लगभग 20% वर्ल्ड का पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुका था, और उस 20% में एक तिहाई लोग, अराउंड 30% ऑफ द पीपल डाइड. कैसे? ह्यूमन में एक वायरस है जिसको हम लोग ह्यूमन फ्लू बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन फ्लू बोलते हैं.
जो ह्यूमन में सर्दी जुकाम खांसी करता है, बीमारी करता है, वायरल डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। बर्ड में एक डिसऑर्डर है, बर्ड में एक वायरस है जिस जो बर्ड में वायरल डिजीज कॉज करता है, जिसको हम लोग बर्ड फ्लू बोलते हैं। ठीक है, बर्ड फ्लू जो है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, ह्यूमन फ्लू जो है वो बर्ड को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों का एक स्ट्रेन ह्यूमन से चला गया पिग में, और ये जो है बर्ड वाला जो है ये चला गया पिग में, और ये स्ट्रेन ऑफ वायरस इसको मैं रेड से दिखा रहा हूं, इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, दिस बोथ स्ट्रेन वेंट एंड कंबाइन इन द बॉडी ऑफ द पिग एंड देन इट फॉर्मड अ न्यू वायरस व्हिच इज द H1N1 वायरस। इट वाज अ न्यू जूनोटिक वायरस एंड नाउ दिस वायरस कैन डेफिनेटली इन्फेक्ट ह्यूमन। पहले जो बर्ड फ्लू था वो इन्फेक्ट नहीं कर पाया, तो एक बर्ड का एक फार्म था, वहां पे वो क्या करता था, बर्ड भी पालता था, पिग भी पालता था, वो लोग पिग भी खाते थे, चिकन भी खाते थे, चिकन वाला वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर पाता, और ह्यूमन का जो वायरस है कॉमन कोल्ड वाला वो तुम्हारा बर्ड को इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन ह्यूमन का जो वायरस का जो स्ट्रेन है वो जाकर के इस बर्ड वाले स्ट्रेन के साथ मिक्सअप हो गया और वो पिग में इन्फेक्ट करने लगा, और पिग में जो वायरस का जो स्ट्रेन बना दैट वाज द H1N1 वायरस, और वो H1N1 जो वायरस था वो अब इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमन को। ठीक है, इसको स्वाइन फ्लू वायरस भी बोलते हैं, और ये वायरस इट कॉज द बिगेस्ट पेंडेमिक इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। 5 करोड़ लोग मरे थे, 5 करोड़, इतना हाईली कॉन्टेजियस। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 1 मिनट, यू गाइस विल जॉइन अगेन इन एट 4:30 शार्प। ठीक है, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, एंड आफ्टर दैट मैं तुम लोगों को और भी बताऊंगा इसके बारे में, और नीट का वाला, नीट के रिलेटेड जो भी सिस्टमेटिक नोट्स लिखाना होता है वो भी लिखा दूंगा। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच, यू गाइस विल हैव टू